परमाणु ब्लॉक कांग्रेस ने आने वाले चुनावों के लिए कमर कसना शुरू कर दी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। संगठन को कसौली विधानसभा क्षेत्र में मजबूत करने का हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। ये जानकारी कांग्रेस कसौली ब्लॉक के अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले काफी वर्षों से कांग्रेस में कुछ कमियों की वजह से कसौली ब्लॉक कमजोर चल रहा था, लेकिन अब उन कमियों को दूर किया जा रहा है। युवा शक्ति को साथ में जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस को ब्लॉक में किस तरह और मजबूत किया जा सके, इसके लिए बैठक में मंथन व रणनीति भी बनाई गई। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार उन्हें अवश्य कामयाबी हासिल होगी। ठाकुरदास शर्मा ने कहा कि परमाणु नगर परिषद में जीत हासिल कर कांग्रेस ने पहली बार अपना परचम परमाणु में लहराया है। अब इसी तर्ज पर संपूर्ण ब्लॉक में कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की जाएगी, जिसके लिए पूरी रणनीति भी तैयार की गई है। किसी भी तरह से ब्लॉक में कांग्रेस को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को धूल चटाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। ठाकुरदास शर्मा ने कहा कि पिछले चुनावों में कांग्रेस कुछ कमियों की वजह से जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन अब इन कमियों को भी दूर किया जा रहा है। हमारा परमाणु का जो इलेक्शन है नगर परिषद का हो गया, और उसमें हमें जनता की कृपा रही हमारे ऊपर, और हमारे सभी लोगों ने मिलकर काम किया और हमारी नगर परिषद बन गई। वहाँ पे हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, तो हमने वहाँ बड़े दिल से काम किया। अब हमारी अगली नज़र जो है कसौली विधानसभा के ऊपर है, और भगवान ने चाहा तो इस दफ़ा जो दो दफ़ा हमारे को झटका लगा था वो इस दफ़ा नहीं लगेगा, और हम पूरी तैयारी से लगे हुए हैं। ब्लॉक बूथ कमेटियाँ हम बना चुके हैं और जगह जगह अब जाना शुरू कर दिया। ड्यू टू कोविड हम नहीं जा पाए क्योंकि मीटिंग वगैरह की पाबंदियाँ काफ़ी थी, लेकिन अब हमने शुरू कर दिया। इस संडे भी मैं दो तीन जगह गया हूँ और अब हम पूरी तैयारी से हैं, और भगवान ने चाहा तो इस दफ़ा कसौली हमारी होगी और हिमाचल में भी सरकार हमारी होगी।